हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू अ मेंस मेकअप। तो क्या करना है आपको, अपने बालों में हेयर बैंड लगाना है इस तरीके से। ये कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है। जितने भी एक्टर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही मेकअप करके ऑडिशंस देने जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मेंस मेकअप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं यूज़ करता हूं मैं आपको बताऊंगा, और ऑलरेडी मैंने यूज़ करी हुई हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्राइमर। प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं जिससे जो हमारा मेकअप है वो हमारी स्किन के अंदर ना जाए, जो भी हम फाउंडेशन लगाएंगे वो हमारी स्किन में ना जाए और उसको ख़राब ना करे। तो आई यूज़ फेसिस कैनेडा प्राइमर, जो पड़ता है अराउंड 699 का अमेजोन पे, लेकिन डिस्काउंट कोड लगा के आपको 100 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा मेरा ख़त्म हो चुका है, आपको इसको इस तरीके से लेना है इतना, उसके बाद आपको ये लगा लेना है। बेसिकली इट मेक्स योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते तो आप एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हो। इसको इसी तरीके से आपको लगाना है आराम आराम से, एंड इफ़ यू आर ऑन अ बजट देन आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। इसको अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड करना है अपनी स्किन में अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको लेना है एक फेसिस कैनेडा का एक फाउंडेशन। भी आप फाउंडेशन लें, हमेशा जब भी आप शॉप पे जाएं तो आप अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही फाउंडेशन लें। फाउंडेशन जब आप लेते हैं तो हमेशा ये चेक करें कि फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन टोन से मैच हो रहा है, मतलब आपकी स्किन को हाईलाइट कर रहा है। अगर आप गलत फाउंडेशन ले लोगे तो थोड़ा डार्क लगोगे और यू नो मेकअप में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा नहीं ना, आपको हल्का हल्का अपनी स्किन पर लगाना है। देखिए, आपको इसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। आप अपनी फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप कंसीलर पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना, अगर आप ये ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अननेचुरल दिखेगी। आजकल हम लैपटॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं, तो आप इसे वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप पे कोई चोट का निशान है या आप कोई कुछ कोई ऐसा तिल है जो आप नहीं चाहते कि लोगों को दिखे, तो आप उसको भी आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डैप करना है। डैप 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 आपको इसको इस तरीके से नहीं लगाना, मतलब आपको लगा के आप इसको इस तरीके से लगाओ जोकर लगोगे स्केटिंग, तो आपको इस तरीके से डैप करना है। ना ऐसा पोर्टेबल मिरर भी ला सकते हो देखने के लिए कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फाउंडेशन पूरा एब्जॉर्ब तभी होता है जब आप उसको ठीक से डैप करते हो, तो आपको ये काफ़ी देर तक करना है जब तक आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब ना हो जाए, आपको ना लगे कि आपका जो फेस है वो ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। और बहुत इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। और अब हम लगाएंगे फाइनल कंसीलर। कंसीलर इसके लिए होता है जो आपके जैसे बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं, जैसे मेरे ये वाला जो ये पिंपल है आप देख सकते हो अभी हुआ है नया नया, तो अगर मुझे इसको थोड़ा हाइड करना है और जैसे मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं बेसिकली उनको ये कवर करता है, तो मैं सिर्फ कंसीलर वहाँ लगाऊंगा जहाँ मेरे हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स हैं। तो ये वाला जो कंसीलर है वो लैक्मे का है, आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो। इट इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट, और ये 413 रुपीज़ का है। भी सेम आपको प्रोसीजर रिपीट करना है, आपको डैप करना है जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा डैप करना है, जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन है, आपके डार्क स्पॉट्स हैं। यहाँ ये सब होने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और अपने चेहरे पर ग्लो चाहिए तो आप फेस पाउडर यूज़ कर सकते हो। आई यूज़ कलर बार का फेस पाउडर विच कॉस्ट अराउंड 543 रुपीज़। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर सेटअप मेकअप एंड ब्राइटन योर स्किन एंड कॉन्टोर ऑन द फेस, एंड इन 543 आई थिंक इट्स अ गुड डील। आपको ऐसा ब्रश लेना है, थोड़ा चौड़े वाला ब्रश होगा तो अच्छा होगा। ये वाला ब्रश 200 से 500 रुपये के बीच में आप कोई भी ऐसा ब्रॉड ब्रश ले सकते हो। बेसिकली थोड़ा और ज़्यादा ग्लो के लिए होता है, जैसे आप कैमरे पे अगर आप काम करते हो या आप इंस्टाग्राम की फोटोज़ खींचते हो तो थोड़ा और ज़्यादा आपका जो स्किन होती है वो थोड़ी ग्लो करती है, और आपका जो फेस होता है वो पिक्स में थोड़ा और खिल के आता है। तो आपको हेयर बैंड को हटा देना है, उसका हेयर बैंड को हटा देना है, और आपको स्टाइल करने अपने हेयर जिस डायरेक्शन में आप करना चाहते हो। देखते हो कि कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है मेकअप पूरा, मेरे जितने भी डार्क स्पॉट्स थे, डार्क सर्कल्स थे, पिगमेंटेशन
और पिंपल्स वगैरह थे वो कुछ आपको दिख नहीं रहे होंगे, फेस एकदम अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप बियर्ड को थोड़ा डार्क करना चाहते हो तो आप काजल का यूज़ कर सकते हो, अभी मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बात और थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी आप अपना मेकअप करें और उसको रिमूव करें, जैसे रात को आपको रिमूव करना है तो डोंट रिमूव इट विद वाटर, वो कभी भी ठीक से रिमूव नहीं हो पाता है, तो ऑलवेज यूज मेकअप वाटर, मैं यूज करता हूँ। सो आई यूज इसानो का रोज शेप मिसेलर वाटर। वैसे तो आप गार्नियर का मेकअप वाटर भी यूज कर सकते हो, इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 175 रुपीज। बेसिकली ये मेकअप को हटाने के साथ साथ आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। वाटर आई गॉट फ्रॉम पेरिस, मैं गया था लास्ट ईयर ट्रिप पे, तो अमेजोन पे मिलना ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी आपको कॉटन से हल्के हाथ से धीरे धीरे रब करना है। यू कैन ऑल्सो यूज जॉनसन बेबी ऑयल अगर आपको मेकअप हटाना है और आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नेम है द ग्रूमिंग वर्ल्ड, वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताता रहता हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश, स्टे ग्रूम्ड।